हे वेलकम बैक गाइस, आज यहाँ पे है मेरे पास रियलमी का C55 फोन और इस फोन का आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। कंप्लीट डिटेल रिव्यू देंगे, बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, फोन के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाता है इस फोन में, ये चीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप अगर इस फोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए कंप्लीट, क्योंकि आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। तो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्नोमास्टर। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Realme C55 को बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो गाइस, यहाँ पे कुछ हाइलाइटेड फीचर मेंशन किया हुआ है। 64 मेगापिक्सल का आपको AI कैमरा मिलने वाला है, 33 वाट का सुपर बूक चार्जर मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, 7.89 mm का अल्ट्रा स्लिम आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। और यहाँ डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, यहाँ पे 6.72 इंच का 90Hz फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है इसके अंदर, और G88 चिपसेट दिया गया है। तो ये है दोस्तों बॉक्स कुछ इस प्रकार से। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन और देखने को मिलेगा, और इस सेक्शन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है, और इसके साथ यहाँ पे आपको कुछ क्विक स्टार्ट गाइड मैनुअल बुक, और यहाँ पे आखिरी में आपको एक टिप्यू केस देखने को मिलेगा कुछ। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं रखा हुआ है फोन, तो फोन को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये फोन है, यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं रेनी नाइट है। ओके, तो यहाँ पे रात में जो बारिश होता है ना, कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है। फोन को अभी रखते हैं साइड में और बाकी कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 वाट का एक चार्जिंग एडाप्टर मिलता है, तो काफ़ी तेज़ी से चार्ज होने वाला है ये फ़ोन। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक सी केबल देखने को मिल जाता है, USB 2C केबल है। फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, यहाँ पे 6.72 इंच का 90Hz फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे गाइस आपको एक पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। इस कैमरा के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, और इस कैमरा जो पंच होल है इसमें आपको कैप्सूल बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईफोन में जो ये नया फीचर्स आया है, नोटिफिकेशन आने से यहीं पर दिखता है, तो उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मिनी कैप्सूल की तरह आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो यही फीचर्स रियलमी C55 को काफ़ी यूनिक बनाता है गाइस। और इसके अलावा गाइस, यहाँ पे बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे डाउन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, प्राइमरी माइक मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ऑन ऑफ में ही, और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच देखने को मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे मिलता है, इसे निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल सिम स्लॉट यूज़ किया गया है, जिसमें आप दो नैनो सिम के साथ एक SD कार्ड आसानी से यूज़ कर सकते हैं इस फोन में। और पीछे की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास रेनी नाइट कलर में है। यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये दोस्तों बारिश हो रहा है जैसे नाइट में, उस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न टेक्सचर दिया हुआ है। और यहाँ पे गाइस सबसे यूनिक जो बनाता है ये ब्लैक कलर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का दो कैमरा बम्प दिया गया है, रिंग बैठाया गया है दो, जो कि काफी यूनिक लगता है गाइस आप अगर ये ब्लैक कलर लेते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और कलर मिल जाएगा सनफ्लावर का, यहाँ पे गाइस जो ब्लैक कलर है ये मुझे काफी पसंद आया। तो यहाँ पे कैमरा बम्प के साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं कि आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल है सेकेंडरी कैमरा, और यहाँ पे आपको फ्लैश देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का AI कैमरा लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे IMEI नंबर के स्टिकर है, इसे हटा देता हूँ जिससे आपको एक क्लियर लुक मिल पाए। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है आपको Realme C55 फ़ोन, और नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपको Realme का एक ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों पॉलीकार्बोनेट बैक है। फ़ोन के कैमरा इंटरफेस की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको नाइट मोड मिल जाता है, स्ट्रीट मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिल जाता है। वीडियो में गाइस यहाँ पे आप जो वीडियो रेजुलेशंस देख सकते हैं 1080p या फिर 720p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 60 और 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। और इसी के अलावा दोस्तों फोटो है, यहाँ पे पोर्ट्रेट है, 64 मेगापिक्सल का अलग मोड है, और मोड के अंदर दोस्तों स्लो मोशन टाइम लैप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। इसी के साथ दोस्तों Realme C55 फ़ोन के अंदर की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme UI जो है 4.0 देखने को मिल जाता है, ऑफिशियल वर्जन है, और एंड्रॉयड वर्जन जो है यहाँ पे आपको 13 देखने को मिल जाता है। फ़ोन के अंदर दोस्तों MediaTek Helio G88 चिपसेट यूज़ किया गया है, और बैटरी की बात करें तो गाइस 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। तो गाइस, इस फ़ोन में आपको फेस लॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, ये देखिए लॉक ओपन, तो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों यहाँ पे वर्क कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके। और फेस लॉक की बात करें तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो फेस लॉक भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आप अगर इस फ़ोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट पे मिल जाता है। 464 वाला वेरिएंट आपको 10,999 रुपये में मिल जाएगा, और 6GB रैम आप अगर लेते हैं 64GB स्टोरेज के साथ तो आपको 11,999 रुपीज़ पड़ जाएगा, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज आपको अगर चाहिए तो 13,999 रुपीज़ आपको पड़ेगा। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और ये फ़ोन आपको अगर बाय करना हो बाइंग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से बाइक कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।